गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हेयर विद ए न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर हमारे जो RICEE के लिए जो पेमेंट है वो नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम है, बार बार पेमेंट फेल्ड बता रहा है, तो हम क्या करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करने वाले हैं और आपके बहुत से जो क्वारीज हैं उनके भी हम आंसर देंगे। 7-8 क्वेश्चन यूट्यूब चैनल पर आए हैं और एक आध प्रश्न अपन टेलीग्राम से भी लेंगे। तो सबसे पहले ये इस प्रश्न का उत्तर तो देंगे, आपकी प्रॉब्लम ये दूर हो जाएगी। जो आप मेरे पास देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये फॉर्म इस बच्चे ने 25 अप्रैल को भरा था और पेमेंट कल किया है, तो आप डिटेल में देखेंगे। अब ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं शुभम का कमेंट लेता हूँ। सर, टीचिंग एप्टीट्यूड के और अधिक वीडियो बनाइए। देखिए, मैं अभी कोविड से उभरा हूँ और अभी मैं वीडियो कोशिश करूँगा बनाने की, लेकिन मेरे टीचिंग एप्टीट्यूड से के जो हिंदी और इंग्लिश के 40-50 वीडियो हैं वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के भी वीडियो हैं वहाँ पर और रीजनिंग के वीडियो भी हैं। मोर देन 100 वीडियोज RICE के लिए वहाँ पर हैं। स्टाइलिश शेडो पूछते हैं, कैसे सिलेक्शन होगा, कौन सी बुक फॉलो करें, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। नितिन पूछते हैं कि CEE टाइम पर कंडक्ट होगा या नहीं। नितिन जी, अभी ये भविष्य के गर्भ में है, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं बोर्ड की एग्ज़ाम कैंसिल हो गई हैं, बहुत सारे स्टेट्स ने भी कैंसिल कर दिए, CBSE ने भी कैंसिल कर दिए। तो अब देखिए, वेट एंड वॉच, देखते रहिए, इंतज़ार कीजिए। वेट एंड वॉच। आगे चलिए, अमन कुमार का पेमेंट करें कि पेमेंट हो रहा है या नहीं। तो अमन जी, पेमेंट हो रहा है। ये जो आप ये पूछ रहे हैं कि बुक का क्या नाम है, और रमेश जी पूछ रहे हैं MA की रजिस्ट्रेशन फीस क्या है। तो देखो, BSc BEd और BA BEd 4 ईयर की भी 1000 रुपये है, BEd की भी 2 ईयर BEd की और MEd की फीस भी रजिस्ट्रेशन फीस है, वो 1000 रुपये है। और बुक वो लक्ष्य की थी जो मैं पढ़ा रहा था, और एक अरिहंत की बुक भी मैं पढ़ा रहा था पिछले साल, क्योंकि बच्चों के पास बुक्स नहीं थी। SH पूछ रही हैं इम्प्रूवमेंट के एग्जाम के संबंध में, इनका आंसर मैंने कमेंट में लिख दिया है। और मेघना दत्ता पूछते हैं पेमेंट में दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपका ही कमेंट ले लेता हूं। टेलीग्राम से आकाश सतपति पूछ रहे हैं पेमेंट इज फेल्ड एवरी टाइम। अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ, क्योंकि पेमेंट से संबंधित प्रॉब्लम है वो ही मैं इसमें बता रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि ये इस पर क्या लिखा रहा है। पहले निर्देश हमेशा पहले पढ़ने चाहिए कि नोट, ये देखिए, फॉर बेटर सक्सेस रेट ऑफ फी ट्रांजेक्शन प्रेफर यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। तो आपको फी पेमेंट के लिए किसको प्रेफरेंस देना है, नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, और किसको नहीं देना है। आगे देखिए, अवॉइड यूजिंग भीम UPI और एनी काइंड ऑफ वॉलेट, पेटीएम और फोनपे फॉर फी पेमेंट। तो आपको इसका मतलब ये है कि आपको अवॉइड करना चाहिए, इसका आपको यूज़ करना ही नहीं है। भीम UPI का वॉलेट है, जो पेटीएम फ़ोनपे वगैरह, पेटीएम है, फ़ोनपे वगैरह, इनका आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ये मान के चलिए आप। वंस फी एग्जामिनेशन फी इज पेड एंड द मनी इज डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट, प्लीज़ डोंट ट्राई टू पे अगेन। एक बार आपके अकाउंट से पैसा कट जाए तो फिर से आपको पेमेंट नहीं करना है, 48 घंटे आपको वेट करना है। वेट फॉर 48 और फॉर आवर सर्विसेज टू गेट द अपडेटेड डिटेल्स फ्रॉम बैंक। कई बच्चे पेमेंट होने के बाद भी वो फेल्ड बताता रहता है, आपके अकाउंट से पैसे कट गए, तो आपको फिर से पेमेंट नहीं करना है, 48 आवर्स आपको देखना है। इन केस द पेमेंट इज स्टिल शोविंग अनपेड आफ्टर 48 आवर्स, देन कॉन्टेक्ट अस एट NCERT CEE2021help@gmail.com। तो यहाँ पर और विद योर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या है, कौन सी बातें पढ़नी है, सबसे पहले जो बातें यहाँ पे लिख रखी हैं इन बातों को पहले पढ़ो गौर से, उसके बाद आगे बढ़ो कि पेमेंट कैसे करना है। अब ये देखिए कैसे पेमेंट हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि ये देखिए, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया यहाँ, और फिर ये आ गया कि एप्लीकेंट नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, यहाँ देख रजिस्ट्रेशन नंबर है,
मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन, मदर्स नेम, कैटेगरी, ठीक है। अब देखो पेमेंट करने की कोशिश कैसे की गई है। अब देखिए, इसने, ये बालिका ने पेमेंट कर जनवरी जून 3, 2021 को पेमेंट करने की कोशिश की। ये देखिए आप देख रहे हैं, ट्रांजेक्शन आईडी ये यहाँ बता रखी है। 2 बार पेमेंट करने की कोशिश की गई, लेकिन पेमेंट फी टाइप रजिस्ट्रेशन फी हो गया, यहाँ फी अमाउंट 1,000 रुपये हो गया, बैंक रेफर NA, बैंक ट्रांजेक्शन ये देखिए टाइम बता रखा है, और ट्रांजेक्शन ये देखिए पेएबल अमाउंट 1,000 रुपये बता दिया। अब यहाँ आगे क्या बता रखा है ये देख लीजिए, ये देखिए जो आपके बार बार लिखा रहा है वही बात यहाँ आ रही, पेमेंट फेल्ड एट बैंक, ये देखिए ये यहाँ भी आ गया, 2 बार फेल हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बैठ जाएंगे, आप ट्राई करते रहिए, लेकिन किससे करेंगे ट्राई आप? अगर बहुत बार हो रहा है तो आप उस दिन कीजिए मत, कल कर दीजिए, परसों कर लीजिए। जैसे इसने 25 तारीख को रजिस्ट्रेशन करवाया था और कल फी पेमेंट की है, 3 जून को की, तो आप भी जैसे आज आपने फॉर्म लगाया है तो 2-4 दिन बाद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज फेल्ड हो रहा है, कल हो जाएगा पेमेंट, और अगर नहीं होता है तो आप बार बार कीजिए। लेकिन करना किससे? डेबिट कार्ड, सुन लीजिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, इन तीन को। और आपके पास नहीं है मान लो, तो अपने पापा जी का, पिताजी का, माता जी का, दादाजी का, भाई का, इनका कार्ड लेके, बहन का, किसी का भी कार्ड लेके, डेबिट कार्ड, मैं डेबिट कार्ड को प्रेफर करता हूँ, तो आप इससे पेमेंट कर सकते हैं। आगे चलिए, अगर आपका पेमेंट हो गया तो क्या होगा, देखिए आगे बता देता हूँ मैं आपको। अब आपका पेमेंट हो गया तो फिर ऐसा आप ये आप प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ आपकी फोटो आएगी, ये आपकी फोटो आएगी यहाँ पर, ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा यहाँ, और ये जो नाम है आपका, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ये आप चेक कर लीजिए, ब्लड ग्रुप वगैरह, ईमेल एड्रेस है। और ये अब यहाँ आपको लिखा आएगा फी स्टेटस, ये आ जाएगा पेड, फी स्टेटस देखेंगे आप तो यह आ गया PAID, ग्रीन में लिखा हुआ पेड आ जाएगा, कितनी, 1,000 रुपये आपने पेड कर दिए, ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आपके जो आप कितने मार्क्स हैं और कितने के हैं, क्या है, ये आपकी एड्रेस डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, ये अगली डिटेल है आपकी, टोटल मार्क्स हो गए आपके, मैक्सिमम मार्क्स हैं, आपका एड्रेस है, फिर आपने किसके लिए अप्लाई किया है, RIE अजमेर, BEd प्रोग्राम कौन कौन सी है, इसने दोनों प्रोग्राम में किया है, BEd सोशल साइंस एंड लैंग्वेज ग्रुप में भी किया है और मैथ्स वाले में भी किया है, ठीक है दोस्तों, तो इसमें आ गया है। ओके आगे चलते हैं, ये देखिए अब, और लास्ट में आपका जो ये आएगा तो यहाँ आपके साइन हो जाएंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके ये साइन नहीं होते, डिजिटली नाम लिख देते हैं, यहाँ डिस्क्लेमर आ जाएगा और आपका यहाँ नाम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका ये जो फॉर्म का प्रोसेस है फी पेमेंट का, तो आप घबराए नहीं, आपको पेमेंट कर देना है और इस तरीके से कर देना सरल तरीके। चलते चलते साइट पे भी देख लीजिए क्या है, वेबसाइट पे वेलकम टू NCERT कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CE 2020, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हो गया, कैंडिडेट लॉगिन हो गया, तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो कैंडिडेट लॉगिन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के कर सकते हैं। एक कैंडिडेट ने मेरे से ये भी पूछा था, सर कि मैं रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया, अब मैं क्या करूँ? तो दोस्तों आप घबराओ मत, आप RIE को ईमेल कर दीजिए अपना नाम वगैरह ये लिख के, और वहाँ संपर्क कीजिए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मैंने ऐसे फॉर्म भरा था, तो आपका देखते हैं वहाँ रिस्पॉन्स क्या आता है वो देख लीजिए। और ये आप जो फॉर्म भरें आप मोबाइल का यूज़ नहीं करें, वेब पोर्टल इज डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कम टाइपल, प्लीज ट्राई फिलिंग अप द फॉर्म यूजिंग ए लैपटॉप और डेस्कटॉप, डोंट यूज मोबाइल फॉर्म, ठीक है। ये यहाँ लिंक आपको दे ही रखा है, ये आपने कई बार पुरानी वीडियो में बात कर ली है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हेल्प ईमेल आईडी हैज बीन अपडेटेड, तो ये आपकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मिल रही है, और फिर आप इसको देख के ट्यूटोरियल वीडियो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। RIE CEE में सफलता के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे जो प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं उनको भी देखते रहिएगा। जय हिंद।